आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मजेदार जायकेदार देग स्टाइल चिकन कोरमे की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने इसे बनाया है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन पे जरूर प्रेस करें। तो बढ़िया सा ये चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ml रिफाइंड ऑयल। आप अगर ऑयल की क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। और ऑयल के अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, और प्याज को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो प्याज को हम इस तरह से मैश करके ना इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो प्याज है वो इक्वली अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और अब इसे हम लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज का कलर इस तरीके से होने लगे तो आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करें, जिससे कि प्याज का कलर ज्यादा डार्क नहीं होता है और अच्छे तरीके से ये फ्राई होती है। प्याज फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसका। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसे थोड़ा फैला लेते हैं, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे हम हाथ से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में डाल के थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं, सिर्फ दरदरा होने तक, ज्यादा बारीक इसे नहीं पीसना है। अब उसी ऑयल में हम डालेंगे 2 टुकड़े नारियल के, 7 से 8 बादाम और 8 से 10 काजू। अब इसे लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। काजू बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, इसलिए इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। अब इसे हम मिक्सी में बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे हम चिकन। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को अच्छे तरीके से पानी से वॉश भी कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें। 2 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 3 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 तेज पत्ते। इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दही। दही जो है वो ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और थिक होना चाहिए, और दही को इसमें बीट करके ही ऐड करें, मतलब फेंट कर ही। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने सारी चीजें फ्राई की थी। अब इसे हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसे हम आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 जावित्री का फूल, थोड़ा सा जायफल, 4 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद लौंगे। तो अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर बढ़िया तरीके से पीस लेते हैं और इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और उसी ऑयल में हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट किया था वो। तो चिकन को इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद जो इसमें मसाला रह गया बाउल में उसको भी थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसी में डाल देते हैं, मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर ढककर 10 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं, मतलब पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, लिड हटा देते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने प्याज फ्राई की थी वो। प्याज को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया था हाथ से, तो प्याज को इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। मिलाने के बाद इसे बढ़िया तरीके से भून लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं कि जब तक ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो। पेस्ट को डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने पाउडर मसाला तैयार किया था वो, तो इसे भी डाल देते हैं और मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसे हम कम्प्लीटली भून लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं जब तक ऑयल और मसाला अलग अलग ना हो जाए। ये बढ़िया तरीके से भुन चुका है, मतलब फ्राई हो चुका है, ऑयल और मसाला अलग अलग हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। आप जिस हिसाब से ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी की क्वांटिटी इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो पानी को मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो बढ़िया सा ये मजेदार चिकन कोरमा बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये जबरदस्त चिकन होरमे की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखिएगा कि इसकी जो ग्रेवी है वो एकदम बढ़िया दानेदार है, मतलब जैसे कि देगी स्टाइल चिकन कोरमे में होती है। और जब आप इसे बनाएं तो मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।